नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कैरमल सॉस बनाएंगे, जिसे बटर स्कॉच सॉस भी कहते हैं। इसे हम आइसक्रीम पर और तरह तरह के मिल्क शेक में आप डालिए इसे, और केक में भी डाल सकते हैं। उससे उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत से ये बन जाता है और काफ़ी दिन ख़राब नहीं होगा। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए आप ये अमूल फ्रेश क्रीम ले लीजिए, 250 ml का जो पैकेट आता है, या फिर आप चाहे तो घर की मलाई भी ले सकते हैं 250 ml। और इसके लिए हमें 250 ग्राम ही चीनी चाहिए। तो ये 1 कप में लगभग 200 ग्राम चीनी आती है, और 1 कप और थोड़ा सा चीनी मैं लूँगी इसमें। तो इस तरह की आप डीप कढ़ाई ले लें एक, और उसमें 250 ग्राम चीनी मैंने डाल दी है। और यहाँ गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखें, और इसे अब थोड़ा सा आप मेल्ट होने दें। ये धीरे धीरे मेल्ट होकर कैरमलाइज हो जाएगा, इसका कलर चेंज होगा और बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी ये चीनी। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और आप बीच बीच में इसे थोड़ा सा चलाते रहें। और अगर इस तरह से गुठलियाँ बनती भी हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा ये। देखिए, कलर चेंज होने लगा है और ये अच्छे से मेल्ट होने लग गई है चीनी। अब देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, थोड़ा टाइम लगा है, 10 से 15 मिनट। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अमूल का बटर लिया है, ये सॉल्टेड बटर है, हमें 100 ग्राम चाहिए यहाँ। और अगर आपको बिना सॉल्ट का बटर है तो आप थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाल दीजिए यहाँ। और बटर को डालते ही इसे हमें लगातार इस तरह से चलाना है। और जो हमने क्रीम ली थी उसको देखिए, हमने इस तरह एक मग में खाली कर लिया है, और अब इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम मिलाएंगे। जब तक झाग बनता है और झाग बैठेगा, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे। तो गैस को यहाँ हमें मीडियम रखना है, और आप दूध की मलाई को भी इसी तरह से थोड़े दूध के साथ मेल्ट करके थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ सारी 250 ml क्रीम डाल दी है यहाँ, और जैसे झाग बैठेगा हमें गैस को बंद कर देनी है। और देखिए, ये बन गया है। ये अभी ठंडा होने पर थोड़ा और गाढ़ा होगा, और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसे ठंडा होने देते हैं अब थोड़ी देर। देखिए, अभी कितना स्मूथ और कितना गाढ़ा हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप इसे आइसक्रीम में डालिए, केक पर डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे आप अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इस तरह से एक जार में डालकर या बॉटल में डालकर। ये कम से कम 30 से 40 दिन 50 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो बनाइए इस टेस्टी से सॉस को, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।